वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर है आपका, तब में भी लेता। कल हमने देखा इनटू सॉल्वेंट है ना, विलेय का विलेयता मतलब विलेय का विलायक में घुलने की जो क्षमता होता है। मौसम गुड आफ्टरनून, ठीक ना, तो हम लोग बोलते हैं विलेय का विलायक में घुलने की जो क्षमता होती है ना, इसे हम लोग नाम देते हैं विलेयता। ओके कुशवाहा, भूपेंद्र सिंह कुशवाहा गुड आफ्टरनून, फटाफट हमारे साथ में जुड़े चले जाइए और कंटिन्यू कीजिए अपने क्लास को। उम्मीद करता हूँ कि नेट सही रहना चाहिए, अगर नेट सही रहा तो हम क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे है ना। अजय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई, बढ़िया हैं। चलिए चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग जो है ना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे, वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठोस का द्रव में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि सॉल्यूट आपको क्या लेना है, सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा और सॉल्वेंट आपका होगा लिक्विड होगा। जैसे हम बात करें चीनी है ना, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, आपको याद होगा डिसोल्यूशन पे हमने बात किया था। डिसोल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, विलोपन बोलते हैं, जब सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुल जाती है और सॉल्यूशन का निर्माण करती थी, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं विलोपन, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, खास ध्यान देना है, इसमें स्पेशली आपको क्या, सॉल्यूट आपका क्या होगा, सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट आपका क्या होगा, लिक्विड होगा, है ना। तो जैसे चीनी है, शुगर है, वो पानी में घुल जाता है ना, पानी में घुल जाता है और क्या चीज का निर्माण करता है, सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो ये हमारे लिए क्या आएगा, यहाँ देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिख रहे होने वाले कारक, ये देखिए चार कारक हैं। ओके दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दीज आर द फैक्टर्स नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड फोर्थ इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मतलब क्या हुआ, दाब की बात कर रहा हूँ, प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ताप की बात कर रहा हूँ, विलेय की प्रकृति की बात कर रहा हूँ, हाँ, और विलायक की प्रकृति की प्रेशर पे बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे, प्रेशर पे, देख चुके हैं बढ़िया से, अब आइए प्रेशर पे हम लोग देखते हैं, प्रेशर, ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं दाब, ठीक है। तो प्रेशर हम यहां क्या ले रहे हैं, हमने सॉल्यूट लिया और बन गया सॉल्यूशन, बन गया ना, ठीक है ना। दयानंद कुमार कैसे भाई, ऐसा लगता है कि बड़े दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। महाकाल गुड आफ्टरनून, कुंदन कुमार गुड आफ्टरनून, चलिए फटाफट जुड़ते चले जाइए, अपने दोस्तों को भी हो सके तो फटाफट फोन करके टर्न बनना है। ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट और क्या हमने है, सॉल्यूशन, है ना। मौसम ये हो गया आपका विलेय और ये हो गया विलायक और बनना क्या है, विलयन, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का, ठीक है ना, विलयन का, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट निर्भर करेगा कि सॉल्वेंट आप क्या ले रहे हो। अगर सॉल्वेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी आपका टॉपिक क्या है, ठीक है ना, टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब ये ये हम लोगों ने क्या लिया है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, ये आपने क्या लिया, लिक्विड। तो ये जो विलयन बनेगा ये कैसा होगा, नीतीश कुमार गुड आफ्टरनून, बढ़िया है। तो ये कैसा बनेगा, क्या आप लोगों की तरफ से मुझे रिप्लाई आएगा, तो लिक्विड होगा गैस होगा, फटाफट हमें रिप्लाई करिए। चलो यहां हम लोग बात करें, ठीक ना, किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल है कि आप सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं सॉल्यूशन यहां क्या लिया है, ये तो आपका सॉल्यूशन बनेगा, इसका भी फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड ही होगा, ठीक है ना। शुगर को हमने पानी में क्या किया, जल में क्या किया, डिजोल्व कर दिया और यहाँ पे जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, जो मीठा शरबत होगा सिरप बोलेंगे इसे, देख रहे हो ना,
अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, शुगर वाटर में जाके डिजोल्व हो गया और फॉर्म किया क्या सॉल्यूशन, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। मुझे भी बहुत ज्यादा परेशानी कल से है नेटवर्क की, ठीक है ना, और मुझे लगता है ना शायद ऊपर से कोई प्रॉब्लम है अभी नेट को लेकर के, इसीलिए क्योंकि इससे पहले की क्लास हम लोग की बहुत बढ़िया चल रही थी। फिलहाल जो है वीडियो यहाँ पे चल रहा है, सब ठीक ठाक है, तो जो देख सकते हो देख लो बढ़िया से, या फिर वरना क्या करना है बाद में जब आपकी नेट सही हो जाए तो वीडियो डाउनलोड करके उसको क्या करना है देख लेना है, अपलोड होने के बाद वीडियो को आप देख लेना। अब चलो यहाँ देख कर लो, नहीं पड़ता, नहीं दिख रहा, ठीक ना, नहीं दिख रहा है, तो देखा आपने, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, इससे क्या सबसे बड़ा वजह है, क्योंकि सॉलिड के, गुड आफ्टरनून सनोज कुमार, ठीक है ना, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपिड होते हैं, इनके पार्टिकल को हम लोग सर वीडियो अटक रहा है, वॉइस ठीक है, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना, इफेक्ट, ठीक है ना, दाव का इस पे कोई प्रभाव विलेयता पे नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है। रसना रानी क्या सबका वीडियो चल रहा है ठीक से, फिर भी नहीं चल रहा है ना, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओके, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना, इनकम्प्रेसिबल, डिफेक्ट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर इज मिनिमाइज और निग्लेजिबल, मतलब आपने, ठीक है ना, अगर हम दाब देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ठोस का जो द्रव में विलेयता है ना उस पर कोई खास असर होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, ठोस के जो कण होते हैं या द्रव के जो कण पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं उस पर प्रेशर का, ठीक है ना, बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड पे थोड़ा बहुत होता भी है, ठीक ना, थोड़ा बहुत होता भी है लिक्विड पे, लेकिन सॉलिड पे बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा कि इस पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो चलो मैं इसको हिंदी कर देता हूं फटाफट, नीचे लिख दे, लिखेंगे ठोस का द्रव में विलेयता, विलेयता पर दाब का नहीं पड़ता है, ठोस एवं, ठीक है ना, क्योंकि ठोस एवं, याद रखिए सॉलिड एंड लिक्विड, ठोस एवं द्रव असंपिड होते हैं, क्या होते हैं, असंपिड, जिसपे दबाव या दाब का असर पा नहीं सकते हैं, ये भी रिजिड, ठीक है, लेकिन ठोस के बनिस्पत कम होता है, ठीक है ना, ये समझ में आपको आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी कर रहा हूँ सॉलिड इन लिक्विड केस में, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस का द्रव में विलेयता पे। अब हम लोग चलेंगे दो नंबर पे, दो नंबर तो चलिए भाई जल्दी में हम लोग देख लेते हैं दो नंबर पे, टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखना, बिल्कुल अच्छे से देखना है, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारा कुछ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस पर भी डिस्कस होगी, टेम्परेचर जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में ताप, ताप का, ठीक है ना, विलेयता पे क्या असर पड़ता है, ठोस द्रव में विलेयता पर ताप का क्या असर पड़ता है, इसके लिए केस जो है ना, केस मीन्स स्थिति, कंडीशन अलग अलग है, ठीक है ना, एक केस ऐसा है जहां पर हम लोग अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी जो होती है, विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है, घुल जाती है, ठीक है ना, और अगर एक केस ऐसा है जहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ताकि हम लोग देखें इसको टेम्परेचर पे,
टेम्परेचर के रूप में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मास एंड मॉलिक्यूलर रेट। अधिकांश जो आयनिक ठोस होते हैं, ठीक है ना, अधिकांश आयनिक ठोस जो आयन के बने होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा सोल्युबल हो जाते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, मोस्ट आयनिक एंड इंक्रीज सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है गैस, देखो इसको, अधिकांश आयनिक एवं आणविक ठोस की विलयता जो होती है द्रव में ताप के बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ जाती है। अधिकांश आणविक ठोस की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता ताप के बढ़ाने से बढ़ जाती है। ओके, क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल केस, मतलब कि नॉर्मली हम लोग बात करें, सिंपली बात करें, लेकिन अब हम आपके साथ रख रहे हैं कंडीशन वन कंडीशन टू, केस वन केस टू। ठीक है ना, केस वन केस टू सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, केस वन में मतलब पहला कंडीशन कब बढ़ता है और कब घटता है। तो चलिए फर्स्ट केस हम लोग आएंगे, जब केस वन में हम लोग लेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, उष्माक्षेपी, केस वन मतलब स्थिति वन, प्रथम स्थिति केस वन या कंडीशन वन, जब हम लोग क्या लेंगे, केस समझते हैं ना, स्थिति, प्रथम स्थिति, ठीक है ना, केस वन हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हिंदी समझो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो जो जो, ठीक है ना, मींस की बाहर निकलना, एक्सो थर्म मींस क्या हुआ, टेम्परेचर ताप, इसे हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी प्रक्रम। जब उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा इसका मतलब क्या होगा, ओके, बॉडी टू सराउंडिंग, ठीक है, वैसी अभिक्रिया जो भौतिक हो, भौतिक प्रक्रम हो या रासायनिक प्रक्रम हो ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। गौरव कुशवाहा गुड आफ्टरनून, बिट्टू कुमार नेट प्रॉब्लम सर, वीडियो नहीं चलता है, ठीक है ना, गुड इवनिंग अमित कुमार, नहीं दिखता है, मतलब सारा प्रॉब्लम एक ही साथ आ रहा है, दिखता भी नहीं है, ठीक ना, वीडियो भी नहीं चलता है, सारा कुछ एक साथ आ रहा है, मौसम बह रही है। रचना रानी सर जी, दो दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी देखते हैं, उष्मा छेड़ा निकलती है, जब उष्मा बाहर निकलेगी इसका मतलब उसको उष्मा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, तब अगर आप उसमें उष्मा को बढ़ाइएगा, हीट उसमें दीजिएगा, तब क्या होगा मालूम, सोल्युबिलिटी क्या होगा, विलयता घट जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, विलयता घट जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर उष्माक्षेपी मोचा, क्या स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बढ़िया से, ठीक ना, चलने दीजिए, किसी तरह पढ़ रहे, चलिए चलो कंटिन्यू कर लेते हैं आज, ठीक ना, कल से अगर यह नहीं होगा तो मैं कहीं और तक रहा है, चलो देखते हैं। उष्मा छेपी का मतलब क्या है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, उष्मा छेपी प्रक्रम हम लोग इसको बोलेंगे ग्राउंडिंग। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसको सबसे पहले परिभाषित कर देते हैं, ठीक है ना, इसके बाद इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। द केमिकल फिजिकल प्रोसेस इन विच हीट इज लिबरेटेड, मतलब रिलीज, हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम टू इज कॉल्ड
एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना, हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे ओसी रासायनिक, मतलब रासायनिक भी हो सकता है या भौतिक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। विलयन जब भी बनेगा तो विलयन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, विलयन का जो सिंथेसिस होता है ना, श्वसन जो बनता है वो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकल प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने यहाँ पे दो चीज लिखा है, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, इसे ध्यान देना, ठीक ना। तो वैसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रम जिसमें है ना, वैसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रम जिसमें उष्मा, ठीक है ना, तंत्र से मतलब सिस्टम या बॉडी, बॉडी बोल सकते हो, पिंड बोलते हो, तंत्र से वातावरण में मुक्त होती है, उसे उष्मा छेपी प्रक्रम या अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए भाई इस पर, ठीक है ना, क्या मतलब होगा उसका, एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है, ई एक्स ओ, एक्सो, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, और थर्म मीन्स क्या होता है, टी एच ई आर एम, थर्म, थर्म मीन्स होता है हीट, हीट मीन्स क्या होता है, उष्मा, ठीक है ना। तो वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, लिबरेशन होता है, उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, उष्मा बाहर निकलती है, तो कहां से बाहर निकलेगी, ठीक है ना, कहां से बाहर निकलेगी, जरा सोचिए कहां से बाहर निकलेगी, जैसे बर्निंग करते हैं तो केस बर्निंग का है, तो जलने के बाद देखिएगा उससे क्या चीज निकलती है, हीट बाहर निकलती है, ये कैसा केस हो गया, ठीक है ना, एक जो थर्मिक हो, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, क्विक लाइम को जब पानी में डालते हैं तो देखिएगा हीट क्या होती है, तेजी से बाहर की ओर निकलती है, और तब आप क्या करोगे और गर्म करोगे, करेंगे इसके बारे में लिखने चीज, जब केस वन, जब आपका करेंगे इसके बारे में लिखने चीज, जब केस वन, जब आपका जो अगर आप उसमें टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक ना, अगर यस, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी और टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, टेम्परेचर ऑलरेडी इससे क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। इतना जब आप समझ चुके हैं तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, इसके नीचे इस चीज को लिख देता हूं, ठीक ना, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ये देख चुके हैं आप, ठीक ना। अब हम लिखेंगे इसमें, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया भी कि इसे टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इसे हीट मत करना, बढ़ना क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या चीज के रूप में रहेगा, सॉलिड के रूप में टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड क्या है, यहां सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के रूप में डिक्रीजेस, ओके। चलो फटाफट हिंदी कर देता हूं इसका, बढ़ने से ठोस का द्रव्य में विलेयता घटती है, ठीक है ना, किस केस में, एक जो थर्मिक रहेगा तब, ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग रॉयल गेमिंग, ठीक है ना, रॉयल मनीष सिसोदिया, रोशन राजा, गुड आफ्टरनून। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब उष्मा छेपी की बात होगी, एक जो थर्मिक प्रोसेस रहेगा, एक जो, ठीक है ना, ऑलरेडी इसमें हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्या मुश्किल होगा, सॉल्युबिलिटी, सॉलिड का जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है, विलयता है, वो घट जाएगी, ओके। ये बात भी आपको समझ में आ गया अच्छे से, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस
इसको कहते हैं यह भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, भौतिक प्रक्रिया, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज इवॉल्विंग, ठीक है ना। नहीं 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 और इनऑर्गेनिक अभी नहीं है, ये फिजिकल चल रहा है। आप सबों को पता होना चाहिए कि मौसम, ठीक है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत खराब चल रहा है, जिसकी वजह से नेट का प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा सा नेट, कई बार कोशिश के बाद नेट अभी ठीक ठाक काम किया है। ये क्लास जैसे समाप्त होगी उसके 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको तुरंत इनऑर्गेनिक शुरू कर दूंगा, ठीक ना। थोड़ा सा आपको ब्रेक दूंगा, अब ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा से मिलेंगे और इनऑर्गेनिक के क्लास हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। जिनको संभव हो वो जुड़े, जिनको संभव नहीं हो वो ना जुड़े, ठीक है ना। कोई खास बात नहीं है, वीडियो जब अपलोड हो जाए तो उस वीडियो को बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। जब आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो नेट को लेकर के, तब की बात कर रहा हूँ। जब मुझे नेट की प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अब यहाँ देखो भैया, जाना ठीक है ना आउटसाइड, तो एक जो कहाँ तो बाहर जाना, क्या चीज, हीट में ना उष्मा, तो वैसी अभिक्रिया जिनमें, रॉयल मनीष सिसोदिया गुड इवनिंग, वैसी अभिक्रिया जिनमें, ठीक ना, क्या होता है, उष्मा का लिबरेशन होता है, उष्मा का त्याग होता है। हाँ कभी कभी वीडियो आपकी रुक सकती है, समझ सकता हूँ। तो क्या होता है उसमें ना, उष्मा का त्याग होता है, उसे हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहाँ से निकलेगा, जैसे बॉडी है हमारे शरीर से, बॉडी से कहाँ जाएगी, कहाँ निकल के जाएगी, सराउंडिंग में, वातावरण में, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब चल इसके लिए एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग बात करें, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या क्या, इसके लिए डेल एच जो होगा, डेल एच जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन हीट, चेंज इन हीट या चेंज इन एंथैल्पी, उष्मा परिवर्तन, उष्मा परिवर्तन, ठीक है ना। इसके लिए किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए बात कर रहा हूं, ये हमेशा निगेटिव होता है। कैसा होता है याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल एच बराबर निगेटिव, हम लोग इसका साइन लेते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी इससे क्या हो रहा है, उष्मा बाहर निकल रही है, दिमाग में आता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या जाता है, चिन्ह जो होता है इसका उल्टा लिया जाता है, विपरीत लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हीट बाहर निकलती है, ठीक है ना, ओके ओके, 11th में पढ़ाई थी, चलिए बढ़िया, ठीक है ना। जब उष्मा बाहर निकलती है तो हमारे ख्याल आता है, ठीक है ना, कि प्लस होना चाहिए, क्योंकि उसका अपना हीट निकल रहा बाहर, ठीक है ना, किसी से ले तो नहीं रहा ना, बाहर निकल रही है तो देना चाहिए चिन्ह प्लस में, लेकिन यहाँ पे परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी है, उल्टा लिखा जाता है, निगेटिव चिन्ह दिया जाता है, निगेटिव साइन दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, व्हेन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक देन डेल एच इक्वल टू, क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो याद रखिएगा ये क्या होगा, नकारात्मक होगा, कहने का मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना, क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई परेशानी आपको नहीं ना। इसके बाद हम लोग बात करें, जैसे चीनी घुल जाता है, ठीक है ना, पानी में, तो बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। जैसे यूरिया को पानी में मिलाएंगे घुल जाएगा, आपने ग्लूकोज को पानी में मिलाया, ग्लूकोज को, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोन डी वगैरह, तो देखना आप ग्लास का टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। ग्लास में, ग्लास जिसमें आपने पानी भर के उसमें ग्लूकोन डी मिलाया, अब उसको आप छुओ तो देखना कि आपको लगेगा कि टेम्परेचर इसका घट गया। इसका मतलब इससे क्या निकला, क्या निकला भाई, ठीक है ना, हीट इज इवॉल्व, इससे उष्मा बाहर निकली है, ठीक है ना। अब क्या आपको देखने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, क्या ग्लूकोन डी दिख रहा है, ग्लूकोज उसमें जो मिलाया है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये विलोपन का केस है। क्या है विलोपन, कल पढ़ाए थे आप, कल नहीं परसों पढ़ाए थे, उसमें हमने बात किया था, जब सोल्यूट सोलवेंट में डिजोल्व हो जाती है, खो जाती है, घुल जाती है, दिखाई नहीं देती है, और विलयन का निर्माण करती है, कैसा विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण करती है, तब इस घटना को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। और जब डिसोल्यूशन के बाद जो विलयन बनता है उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तब हीट देंगे, हीट देंगे, ठीक है ना। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघम बबलू, ठीक है ना, हमारे बहुत ही करीबी छोटे भाई, ठीक है ना, क्लास आ चुके हैं, चलिए बहुत बहुत वेलकम, ठीक है ना, सिंघम बबलू। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, कि जैसे उल्टा काम करेंगे, क्या करेंगे, चीनी का घोल लिया, अब इसे गर्म करेंगे, तो गर्म करने का मतलब भैया मतलब तुम उसमें क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो गर्म जब करोगे तो पानी उड़ जाएगा,
और फिर आपको चीनी बन जाए, मतलब चीनी तो है ही उसमें, वो चीनी आपको प्राप्त हो जाएगा कैसा, क्रिस्टल के रूप में। इसीलिए इस क्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट एवं सॉल्वेंट को पृथक कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसीलिए इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रवाकरण, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन जब भी होगा कैसी क्रिया होगी, एंडोथर्मिक होगी, ठीक है ना। डिसोल्यूशन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगी। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाए नन, तो क्या सवाल होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो चलो जल्दी मैं यहां लिख दूं, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। विलोपन, हिंदी इसको बोलते हैं विलोपन। ओके, मौसम, विलोपन मतलब सोल्यूट का विलोपित हो जाना, गायब हो जाना, किसमें, सॉल्वेंट में। विलोपन की क्रिया उष्मा छेपी होती है, मतलब पानी ले लो, आधा ग्लास पानी ले लो, उसमें ग्लूकोन डी दो, तो हाथ से टच करो, जस्ट टच, ओके। आप इसे छू करके देखो ग्लास को, आपको लगेगा कि ग्लास के पानी का टेम्परेचर जो घट गया है, और जब आप पीते हो तो बड़े से क्या हुआ, घट गया हीट, इसका मतलब बाहर निकल गया। दैट इज द केस ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, आगे बढ़े, ठीक है ना। चलो यहां पे जगह कम है, मैं हटाऊंगा इसको, नीचे मैं लिखूंगा, इतना समय भी था। सॉल्यूट को जब हम लोग सॉल्वेंट मिलाते हैं, यहां कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया विलय, ये हो गया विलायक, और इन दोनों के मिलने से बना है विलयन। मॉर्निंग में क्लास नहीं होता है सतीश आर्या, अरे भाई अभी हो रहा है ना, ठीक है ना। मॉर्निंग में इसे क्लास नहीं होती कि नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी, ठीक है ना। किसी तरीके से जुड़ करके काम चलाइए, जब नेट की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी तो जो टाइम है आपका उसी टाइम पे आऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिल गए और क्या बन गया, सॉल्यूशन, ये ऊपर वाला बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन, तब इसी क्रिया हिंदी में इसको कहते हैं विलोपन, ये आप देख चुके हो पीछे के क्लास में, और नीचे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून रॉयल गेमिंग, नीचे हम लोग बात करेंगे, इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, है ना, रवाकरण, रवाकरण, ठीक है ना। अब जरा एक बार देख लो फटाफट, विलय का विलायक में घुलना और विलयन का निर्माण करने की क्रिया, ठीक है ना, क्या कहलाती है, विलोपन, ठीक है ना। जैसे चीनी का पानी में घुलना और घुल करके शरबत का बनना क्या कहलाएगा, विलोपन। और चीनी के घोल से हम दोबारा क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, रवा का निर्माण करेंगे, कैसे, जब इसको गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा और आपको क्रिस्टल चीनी का प्राप्त हो जाएगा, तब इसे कहेंगे रवाकरण, ठीक है ना, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना, उष्माक्षेपी के उदाहरण लिख दिया स्पष्ट करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एक साथ बहुत कुछ आपको बताते हैं, है ना, इसलिए इसको ध्यान देना है। मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है ना, इसको हम क्या किए, इसका फॉर्मूला आता है NO2CO3, ठीक है ना, H2O। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर हम TnH2O लेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे वाशिंग सोडा। हम यहाँ सोडियम कार्बोनेट केवल जल के सिंगल मोलिकुल है, एक अणु है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, दो लेंगे तो डायहाइड्रेट, गौर करिएगा, ठीक है ना। इसे हमने क्या किया, वाटर में जल में घुला दिया, ये घुलने के बाद क्या बनेगा, समझ में आ रहा है ना, क्या बनना है, ठीक ना, सॉल्यूशन बनेगा, मतलब विलयन बनेगा, साथ ही साथ इस विलयन के साथ
उसमें भी हीट, आप या तो हीट लिखो या एनर्जी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये ऊर्जा निकलेगी। क्या आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं लिथियम सल्फेट का। किसका दे रहा हूं? लिथियम। लिथियम सल्फेट को हमने क्या किया? जल में। ये क्या है? जल। ये क्या है? लिथियम सल्फेट। सुनो ध्यान से, लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट को हमने क्या किया? वाटर में मिला दिया, जल में मिला दिया, ठीक है ना। तो क्या बनना है? सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब प्लस क्या आएगा? हीट, ठीक है ना। देख रहे हैं ध्यान से। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे सीरियम, सीरियम, सीरियम सल्फेट की बात कर रहा हूं, सीरियम सल्फेट, ठीक है ना। सीरियम सल्फेट, सीरियम, CE3, क्या बोलेंगे इसको? सीरियम सल्फेट, है ना, C2SO4O3। इसको हमने क्या किया? जल में मिला दिया, ठीक है ना। क्या होगा? क्या रिलीज करेगी? ऊर्जा यानी उष्मा, ठीक है ना। ऊर्जा या उष्मा आप जो बोलो, ठीक है ना। हीट मतलब उष्मा या ऊर्जा, आप इसको बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। देखा आपने, ठीक ना। इसका हमारे पास क्या आया? कंडीशन, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन इसका क्या निकला, मतलब क्या लिखे हैं मौसम, ठीक है ना। चलिए फटाफट देखिए, सीजीएम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, सीरियम बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सीरियम क्या क्या बोले हैं। चलो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये हो गया लिथियम सल्फेट, और ये हो गया सीरियम, सीरियम सल्फेट। चलिए थोड़ा सा बता दो इसके बारे में, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सीरियम सल्फेट पे, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे बताऊँ आपको सीरियम सल्फेट के बारे में। यहाँ देखिए ये सीई है ना, क्या है इसका सिंबल? सीई, इसे हम बोलते हैं सीरियम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? ये बोलेंगे इसे हम लोग सीरियम। आप पढ़ोगे आगे इसके बारे में सीरियम, ठीक है ना। सीरियम की अगर हम लोग बात करें 58, क्या इसका एटॉमिक नंबर कितना? परमाणु संख्या 58 है, ठीक है ना। और मास नंबर इसका 140 है बाबू, कितना है? 140। और खास बात यह है, जैसे हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एथेनाइड ग्रुप का ये एलिमेंट है। किस ग्रुप का है? लेंथेनाइड। ये आपको पढ़ना है आगे, लेंथेनाइड ग्रुप का है ये। किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है? लेंथेनाइड का है ये। और बात करें हम लोग एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत? एफ ब्लॉक, ठीक है ना। जैसे एस ब्लॉक के होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, इसका नाम क्या है? सीरियम, ठीक है ना। तो सीरियम सल्फेट बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे लिथियम सल्फेट, ठीक है। ये लिथियम कहां से आया पता है ना, है कि नहीं है? ग्रुप वन है ना, किससे? ग्रुप वन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हमने देखा है जो थर्मल प्रोसेस को। जस्ट हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको कम से कम इसको फिनिश कर लेते हैं, है ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस टू में, एकदम इसको पलट के रख देंगे, चेंज कर देंगे इसे, है ना, सारा कुछ आपका बदल जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? करिए मौसम पा उपा से, ठीक ना, समझ में आ गया भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां भी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, ठीक है ना, लाइव क्लास के बाद जब वीडियो अपलोड हो जाती है एक बार उसको देख लो, देखने के बाद अगर कहीं से भी दिक्कत रहती है तो आप क्या करो, उसको कॉपी पे नोट करो, बोला ना बचे। अब चलिए केस टू में हम लोग देखेंगे अवस्थिति, जिसका भी नेट कट गया वो क्या करना है, दोबारा से आप हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास करिए, दोबारा से आप उस पर जुड़िए। इसे हम लोग बोलेंगे इंडो, क्या बोलेंगे इसको भाई? इंडो, इंडोथर्मिक प्रोसेस, इसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग उष्मा शोषी, क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया या उष्मा शोषी, मतलब स्पष्ट है
इसमें उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, ठीक है ना। उष्मा एंडो में क्या होगा, ठीक है ना, इनसाइड मतलब एंट्री है ना, ये क्या होती है, प्रवेश होता है, एंट्री होती है, ठीक है ना। थर्मिस क्या हुआ, हो गया उष्मा। तो क्या बोल रहा है इसको, ए प्रोसेस इन व्हिच, ए प्रोसेस इन व्हिच हीट इज रिक्वायर्ड, क्या होगा हीट इज, कैसा प्रोसेस, तो फिजिकल या केमिकल है ना, ए प्रोसेस। चलो इसको और स्पष्ट कर दो, ए प्रोसेस फिजिकल या केमिकल, ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ऐसा कर देता हूं, इन व्हिच जिनमें हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग, बाय द सिस्टम फ्रॉम इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक या रासायनिक प्रक्रम, वैसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रम, बॉडी मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूं, जिसमें वातावरण से पर तंत्र मीन्स सिस्टम या बॉडी द्वारा, जिसमें वातावरण से सराउंडिंग से तंत्र द्वारा उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, उसे, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उष्मा शोषी अभिक्रिया या उष्मा शोषी प्रक्रम, ध्यान देना है आपको। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऐसी जो प्रोसेस होती है, ऐसी जो अभिक्रिया होती है, ऐसी जो घटना होती है, इसमें हीट की आवश्यकता है। अगर आप हीट नहीं दोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका वो रिएक्शन पूरा नहीं होगा। इसका मतलब हीट की इसे आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्या होगा, बढ़ जाएगी, है ना। यहां तक कोई परेशानी आपको देखा रहा है, जिसमें वातावरण से तंत्र मतलब बॉडी द्वारा उष्मा का शोषण होता है, कहां से, सराउंडिंग से, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी प्रक्रम या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहां देखिए यार, जल्दी उष्मा शोषी प्रक्रम बात करें, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे ना, क्या लेंगे हम यहाँ, सॉल्यूट लेंगे, क्या भाई, यहाँ हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, और दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे, जब जुड़ेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जुड़ने का मतलब कि रिएक्शन यहाँ नहीं होती है, और रिएक्शन होना भी नहीं चाहिए, अगर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर, ठीक है ना, बनना है, पता ही है, ये विलयन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका विलय, और ये हो गया आपके विलायक, ठीक है ना, ध्यान दो, विलय के साथ जब विलायक मिलते हैं, मिला ग्रहण में, अब हमें इसमें एक चीज रिक्वायर्ड, चीज रिक्वायर्ड, इसमें विलय को जब विलायक में मिलाएंगे तो नॉर्मली ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस इसमें क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, क्या, हीट, ठीक है ना, हीट। तो जरा सा सोच लो क्या बन जाएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए, या हम उधर से भी कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जरा से सोचो, इसको ऐसे भी देख लो, स्पष्ट हो जाएगा समझने में। ऊपर में क्या था, इधर की ओर जो बना, इधर से इधर, ये चीन आपको क्या बताती है, ये चीन बोलते हैं इसको, दिस इज द, इधर से इन दोनों के मिलने से ये बन रही है, और इससे ये बन रही है, तब ऐसी क्या कहते हैं, ये चिन्हन, पढ़े वा क्रिस्टलाइजेशन,
हिंदी में इसे कहते हैं रवाकरण। अब यहीं पे आपका काम होने वाला है। क्या ये तो ऊपर में हम लोग देख चुके हैं विलयन, ठीक ना। यहां देखिए ध्यान से, ठीक है। यहां पे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। और जब विलयन को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, ठीक है ना। पानी इस विलयन से उड़ जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले देखा था हमने यहाँ पे क्या लिया था, ये सुगर लिया था और हमने यहाँ पे वाटर लिया था, ठीक ना। और ये जो विलयन बनेगा कैसा होगा, एक्वस होगा। ये क्या होगा, जलीय, एक्वस, एक्वस जलीय है, ठीक है ना, जलीय विलयन है। अब इसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या होगा, जल भाप बन के उड़ जाएगी और चीनी आपको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपको रवा बन जाएगी। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं रवाकरण। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बट कैसे कैसे होता है, हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशनाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीट की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डेल एच, मतलब चेंज इन हीट। इसमें क्या हो रहा है, हीट अंदर की तरफ आ रहा है, तो मन में करता है कि निगेटिव होगा, लेकिन सही बात है निगेटिव होगा, लेकिन उसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, उल्टा आएगा, इसका चिन्ह आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। क्या आएगा, इसका चिन्ह पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि डेल एच जो होगा इट इज ग्रेटर देन, में सबसे पहले लेंगे सोडियम नाइट्रेट। क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसको हमने क्या किया, जल के साथ मिलाया, ठीक है ना, वाटर में मिलाया इसमें, ठीक है ना। क्या चीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो सोलिबिलिटी क्या होगा, ये भी सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होगा। अब इसे आप लिख लो बढ़िया से, ठीक है ना, अच्छे से ये लिख देता हूं मैं, चलो यहां लिख देता, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। रुक गया होगा थोड़ी देर के लिए, अब कंटिन्यू हो जाओ। सोलिबिलिटी क्या बोलेंगे यहां, इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। उष्माशोषी प्रक्रम में, उष्माशोषी प्रक्रम में, ठीक है ना, ताप बढ़ाने से क्योंकि ताप की आवश्यकता है यहाँ, इसलिए ताप बढ़ाएंगे तो विलयता ताप बढ़ेगी। उष्माशोषी प्रक्रम में ताप बढ़ाने से, ठीक है ना, ठोस का द्रव में विलयता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कशन हमारा, इसका आप प्रयास मेरा रहेगा कि आपका जो टाइम दिया गया उस टाइम पे हम क्लास आए। नेट अगर सही रहा तो 8 से 9 में आपको क्लास दूंगा, और ठीक ना, ये हम लोगों ने 2 तक डिस्कस कर लिया, प्रेशर को हमने देख लिया, टेम्परेचर को देख लिया, अब समाप्त हो जाएगा, है ना, फिर हम आगे देखेंगे। और अभी से ठीक 10 मिनट के बाद स्टार प्लस मैथमेटिक्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बात है, सर का बहुत बहुत वेलकम, गुड इवनिंग सर जी, है ना, बहुत बहुत सर का बहुत अभिनंदन। और हम बताना चाहेंगे आपको, अभी से बस थोड़ी देर के बाद 15 मिनट दोबारा से जुड़ रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड होंगे फटाफट हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि नेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जो हमारे